आप सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा बक्सा क्यों? हम कहीं आउट ऑफ सिटी नहीं जा रहे, हम जा रहे हैं एक शूट के ऊपर। हमारे साथ है हिरा और साथ में है जीनत आपी। हम लोग जा रहे हैं एक शूट के ऊपर, आज हिरा का सॉन्ग लॉन्च है तो हिरा का सॉन्ग शूट है तो हम लोग उधर जा रहे हैं। अभी डलवाएंगे पेट्रोल, पेट्रोल डलवाने के बाद हम लोग निकल जाएंगे लोकेशन के ऊपर। मेरा जाना जरूरी नहीं था लेकिन मामा ने मुझे जबरदस्ती भेजा है। शूट के लोकेशन में हम लोग आ चुके हैं और सब चीज़ें वहाँ पे सेट पे रेडी हो रहे हैं। अभी देखते हैं क्या सीन्स हैं और आगे मैं देखता हूँ मेरे अपने क्या प्लान हैं। बाहर निकल के नियरेस्ट कमर्शियल मार्केट तक आए हैं जी। वी आर ऑन द सेट, यहाँ पे कुछ प्रिपरेशंस हो रही हैं और यहाँ की प्रिपरेशंस के बाद हमें कुछ सीन्स लेने के बाद जाना है नेक्स्ट लोकेशन के ऊपर। तो कुछ चीज़ों को मैं देख रहा हूँ इसमें, कुछ मार्केटिंग और सम थिंग्स। तो जाहिर सी बात है मैंने अपनी बहन को ही कहा कि तुम ये शूट करो। बंदर तैयार हो रही है, मैं कुछ बेरोज़ेदारों के लिए कुछ खाने को लेके आया हूँ जो रोज़ा नहीं रखते और जाके उन्हें चीज़ें देते हैं और कहते हैं खाओ पियो। वो हिरा है और ये सारे बैठे हुए हैं डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स जो भी हैं। दिस इज़ अ सेट, बड़े मज़े के सीन्स हैं। तो शूट वूट होगा, मुझे अभी आगे एक दो और काम है, मे भी मैं उधर चला जाऊँ तो वहाँ जाके आपको मिलवाता हूँ अपने एक भैया जी से। आजकल गाड़ी में बैठना बिल्कुल भी आसान नहीं है, जैसे ही बैठो आपका ये हाल हो जाता है। मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं आ रहा हूँ अपने भाई से मिलने, तो भाई मैं आपको दिखाता हूँ। इनसे आप पहले मेरे ब्लॉग में मिल चुके हैं। रिजवान भाई गायब रहना शुरू हो गए थे, आज मैंने आपको 2 महीने बाद कहीं से 2 महीने बाद मिला। 2 महीने बाद अपने हाथ दिखाएं दोनों। ये देखें जी रिजवान भाई के रिंग्स, ये रिंग्स के बहुत शौकीन है। तो कोई भी पत्थरों वगैरह की लेनी हो इन्फॉर्मेशन तो कहाँ से लें आपके? मुझसे लें? टिकटॉक से? टिकटॉक से लें, इंस्टा से लें, यहाँ पे लें, इंस्टा पे लें। और गेस व्हाट, कल एक बड़ी मजे की चीज होने वाली है। कल जब तक आप ये व्लॉग देखेंगे तो शाम में, मतलब आज शाम में है इफ्तारी स्टेक स्टूडियो में। स्टेक स्टूडियो में किस किस की इफ्तारी रखी है आपने? सारे फॉलोअर्स फ्रेंड्स जो भी आना चाहे ओपन टू ऑल। मैं आप लोगों को एक मजे की चीज बताता हूँ, इनकी जो बेस्ट बात यह है अपने सारे के सारे फैंस को बुलवा लेते हैं इफ्तारी पे अपने रेस्टोरेंट पे। yes. और उनके साथ एंजॉय करते हैं। दिस इज कॉल्ड फैम नॉट फैम। यहाँ से मैं निकल रहा, अब दोबारा मुझे जाना है शूट के ऊपर क्योंकि वहाँ पे हीरा वेट कर रही है। कुछ उसकी चीजें रह गई थी गाड़ी के अंदर ही तो वो उसको पहुँचानी है, पहुँचाने के बाद नेक्स्ट लोकेशन पे जाना है। और अभी पता नहीं आज क्या क्या होने वाला है। हाँ कैसे जा रहे शूट? ऊंचा बोलो। बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत शानदार। वो देखिए हमारे कैमरामैन बैठे, वो तो बैठे हैं और हसीन दिखा रहे हैं। तो यार सुबह 9 बजे से आए हैं। कितने बजे से? 9 या 11 बजे आए थे, 2 घंटे नहाई थी। और अभी मैं जा रहा हूँ। रोशनी ने मेरी इफ्तारी रखी है। मतलब अब मैं शूट करूँगी तुम एंजॉय करो। यस एग्जैक्टली। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। ये मैं ऊपर आया और यहाँ पे इतना ज्यादा इंतजाम हुआ है इफ्तारी का सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए। सीन कुछ ऐसा हुआ कि इफ्तारी करते साथ ही मैं सो गया और अभी बज रहे हैं रात के 12 और मैं बैठा हूँ यहाँ पे अपने दोस्तों के पास। ये सब मेरे दोस्त हैं आशिर, रोशनी और इधर देखिएगा जरा जरनाब आपी। हीरा की लोकेशन यहाँ पास ही है तो मैं इसलिए पास पास रह रहा हूँ, बार बार चक्कर लगा रहा हूँ। हीरा के पास आना जाना चल रहा है, व्लॉग में ज्यादा नहीं ले रहा शूट को क्योंकि वो अलाउ नहीं कर रहे। ऐसे कुछ खाएं पियेंगे, खाने पीने के बाद हम लोग जाएंगे आगे जी। यहाँ से करते हैं कुछ ऑर्डर। अभी सबसे छोटे होना कोई ब्लेसिंग नहीं है क्योंकि सारे काम आपको करने पड़ते हैं। अभी फिर मुझे प्राइज मंगवाए हैं, तब से काम कर रहा हूँ लगातार, कभी कॉफ़ी ले आओ कभी कुछ ले आओ, जुल्म है यार। यहाँ से हम लोग निकले हैं और अभी हम जा रहे हैं आगे अब्दुल्ला के पास फूड यार्ड, वहाँ जाके कुछ मज़े की एक्टिविटी करेंगे अगर तो टाइम मिल सका तो। हाँ जी, अब्दुल्ला ने मुझे कर लिया था बीच रास्ते में से पिक और अब हम लोग आ चुके हैं फॉक्स पे। फॉक्स में आने के बाद अभी अंदर जा रहे हैं, हिरा का वेट करेंगे, वो शूट से फ्री होके बस पहुंचने वाली है और देखते हैं अंदर कौन कौन बैठे हैं। कल की कुछ हमारी प्लानिंग्स हैं
वो अभी सारे डिस्कस करते हैं। हिरा आ गई, हम इधर पास ही थे। अब्दुल्ला साहब जा रहे हैं अभी। ओके अब्दुल्ला, बाय बाय, कल मिलते हैं, ठीक है। हाँ, कैसा रहा तुम्हारा शूट? इसका मुंह देखे हम लोग, यकीन करिए अभी पूरे 24 घंटे होने वाले हैं, हम लोग जाग रहे हैं और बस हालत बहुत शदीद बुरी हो चुकी है। यहाँ पे कर रहा हूँ मैं अपना ब्लॉग, बस लोगों को ये बताना है कि हम लोगों को इतनी मेहनत लगती है, इनका थोड़ा सा प्यार प्लीज हमें भी सपोर्ट किया करें। इंशाल्लाह आपको हमारा काम पसंद आएगा, बस इतना ही होता है। बहुत थक गए हैं यार। चैनल को सब्सक्राइब करते, जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक करते और कॉमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।